Hello everyone, this is Jyoti from DAKSH ACADEMY LADWA, and in this class we will discuss about the previous year's questions of the EVS. जो भी हमारी EVS की previous year's question series चली हुई है उसमें आज यह हमारी class number 11th है, ठीक है? तो चलिएगा. सबसे पहला question आता है कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 1 जून 2020 में येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से जो संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक मतलब कि एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. अब ये एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, ठीक है? तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस एक्ट जो है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसको जारी कौन करता है. तो याद रखेंगे WEF मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म. वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म जो है इसको जारी करती है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म इसको जारी करती है आपका किसको, EPI को. EPI में होता क्या है कि जितना हमारे यहाँ पे हमारा पर्यावरण कैसा है, आपका वृक्ष उत्सर्जन कैसा है या प्रदूषण उत्सर्जन कितना है, जलवायु परिवर्तन कैसा है, यहाँ का वेदर कैसा है, ये सारी चीज़ें मिला के कुल इस तरीके के हमारे लगभग 34 फैक्टर्स होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड. उन सबको मिला के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें देखा जाता है कि कौन सी कंट्री किस नंबर पर है. तो इसमें जो हमारा भारत है वो कौन से नंबर पर है, 168th. कौन से पर आ जाएगा, 168th पर. और ये जो ये जो है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हर दो साल में एक बार होता है. जब ये लास्ट टाइम 2018 में हुआ था तो उस टाइम पे इसमें भारत की रैंक थी 177th. ये रैंक थी भारत की. और इसमें 2020 वाले में कितनी है, 168. बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है. अगर बात की जाए तो ये बताइए पहले नंबर पर कौन रहा, तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा था, डेनमार्क. ये भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट नंबर पर कौन रहा आपका, डेनमार्क, ठीक है. अगर पूछे कि लास्ट नंबर पर कौन रहा यानी कि 180th पर लास्ट नंबर पर, तो आ जाएगा आपका लाइबेरिया. क्या आ जाएगा, लाइबेरिया, ठीक है. और अगर पूछे कि सेकंड नंबर पर कौन रहा, तो एक और याद रख लीजिएगा आपका लग्जमबर्ग. लग्जमबर्ग, क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट सेकंड या इंडिया का या लास्ट पर कौन रहा ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे बन जाते हैं. तो जितने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं आपने वो सारे याद रखने हैं, ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस अध्ययन के अनुसार जो लोनार झील है उसमें जो पानी का रंग है वो कैसा हो गया, गुलाबी हो गया था. एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोनार झील आपका कहाँ पर है, तो यह आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है. कहाँ पर हो जाती है, महाराष्ट्र के बुलढाणा में. जो लोनार झील थी ना, ऐसे माना जाता है कि लगभग 50 साल पहले एक उल्कापिंड आके गिरा और वहाँ पे क्या हो गया, लोनार झील का निर्माण हो गया, ठीक है. वैसे अगर मैं उल्कापिंड की बात करूँ ना, तो जो हमारे पर्यावरण के 5 लेयर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल, फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये आपका समताप मंडल, फिर आपका मीजोस्फियर आता है मध्य मंडल, फिर एक्सोस्फियर आइनोस्फीयर आ जाता है, फिर आपका एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल आ जाता है. तो अगर कोई भी उल्कापिंड वगैरह आता है ना, तो वो आपका जो थर्ड लेयर होती है ना, मीजोस्फीयर मतलब कि मध्य मंडल, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सबसे कम होता है. वैसे तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता रहता है, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो सबसे ज़्यादा कम होता है. तो कोई भी उल्कापिंड आके यहाँ पे क्या आ जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है. तो था थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो आपका जो लोनार झील थी महाराष्ट्र के बुलढाणा में, ऐसा माना गया कि उल्कापिंड गिरने से इसकी जो थी मतलब ये बन गई. अब इसमें जो था इसके पानी का रंग क्या हो गया, गुलाबी हो गया. तो उसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह हुई. तो पहले तो सोचा गया कि जो एलगी है ना, शैवाल है, उसकी वजह से शायद इसका रंग गुलाबी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था. फिर पता लगा कि पानी में एक बैक्टीरिया आया है, हेलो अर्चिया बैक्टीरिया. हेलो अर्चिया बैक्टीरिया
हेलो अर्चियाँ जीवाणु की वजह से क्या हो गया था, लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा था, तो याद रखेंगे हेलो अर्चियाँ बैक्टीरिया। और ये आपको पता ही है जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, तो इसको तो पक्का अच्छे से कर लीजिएगा कि एंटोन वॉन लियोवेन हुक ने करी थी। किसने करी थी? एंटोन वॉन लियोवेन हुक ने करी थी। और आपका और बैक्टीरिया था क्या, तो ये हमारा फर्स्ट लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, मतलब कि पहला सूक्ष्म जीव था। कौन था? पहला जीवित सूक्ष्म जीव था जिसकी खोज हुई थी 1674 में, ठीक है। और इसकी अगर स्टडी पूछी जाए तो वो हो जाती है बैक्टीरियोलॉजी। चलिएगा, नेक्स्ट आता है करंट का ही क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित गोल्डन वर्ल्ड विंग आपका किससे संबंधित है, तो आपने बताना है क्या क्या ये तितली है, मछली है, पक्षी है, तो क्या है? तो याद रखेंगे हाल ही में गोल्डन वर्ल्ड विंग की खोज हुई है, तो ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी तितली है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली है। इसको जो है ना हिमालयी तितली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पंख है उसका डायमीटर लगभग 190 mm तक है, 194 mm तक है, इतनी यह बड़ी तितली है, ठीक है। यहाँ से ना दो तितलियों के और नाम याद रखना, एक तो एल्यूसिव प्रिंस और एक आपका हेयर स्ट्राइक। ये दो चीज़ें, अगर जो तो एल्यूसिव प्रिंस वाली आ जाए वो तो कहाँ की तितली है आपकी? वियतनाम की। कहाँ की है? वियतनाम की। और अगर आ जाए हेयर स्ट्राइक तो ये कहाँ की तितली है? तो आपका जापान की। ये दो नाम यहाँ से आप और याद रखिएगा, ठीक है, चलिएगा। ये हो जाएगा गोल्डन वर्ड विंग आपका तितली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फूड चेन का, ईजी सा क्वेश्चन बनता है कि आपका घास स्थलीय परिस्थिति में जो खाद्य श्रृंखला है, मतलब कि जो फूड चेन है उसका सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले घास, फिर आपका टिड्डे, फिर मेंढक, देन सर्प और उसके बाद आएगा बाज, ठीक है। मतलब ये पूरी की पूरी एक जो है फूड चेन चलती है जिसमें हर एक जीव जो है वो अपने, मतलब हर एक जीव जो है वो दूसरों पे डिपेंड रहता है। अगर घास होगा तभी उसको टिड्डे आएंगे उस पर, टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप। और सांप को कौन खाएगा? आपके बाज, ठीक है। तो ये एक फूड चेन चलती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे निचले स्तर पर कौन होता है या जो प्रकाश संश्लेषण में पार्ट लेता है, तो आपका आ जाते हैं जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऐसे करके आप डायग्राम समझाते हैं ना, यहाँ पे जो हमारे पौधे होते हैं ना वो सबसे निचले स्तर पर आते हैं, जो किसका काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का यह जो है काम करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप का मतलब है, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोप का मतलब सिंथेसिस, यानी कि अपना खाना खुद बनाएंगे ऑटोट्रोप्स। लेकिन ह्यूमन या एनिमल्स क्या है? आपके हिट्रोट्रोप्स है। हिट्रो मतलब अदर, ट्रोप्स मतलब कि सिंथेसिस करना, तो अपना खाना दूसरों से लेना, ठीक है। तो क्या आ जाता है आपका? हिट्रोट्रोप्स, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो शैवाल है या जो एल्गई है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर इज द फाइकोलॉजी। एल्गई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट लिखा है हमने माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को, या फिर फंजाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। अगर नेक्स्ट में बात करती हूँ साइटोलॉजी, तो जो कोशिका का अध्ययन है यानी कि स्टडी ऑफ सेल, उसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अगर सेल की बात आई है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी, तो आपका सर रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कब करी थी? तो 1665 में। लेकिन इन्होंने तो पहली मृत कोशिका की खोज करी थी, है ना, आपका वृक्ष की छाल में। तो पहली जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया आपका एंटोन वॉन लियोवेन हुक ने। तो दोनों ही क्वेश्चन
एक दूसरे के साथ याद रख लेना, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी, बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है ये वेस्ट टू एनर्जी, इसके तहत उन्होंने कहा है कि कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है। जितने भी टूरिज्म वगैरह आते हैं ना, उनसे जो भी कचरा उत्पन्न होगा तो उससे वो क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। तो जो उत्तराखंड की सरकार है ना, उसने ऐसा सोचा है, क्योंकि जो टूरिज़म आते हैं उनसे लगभग 900 टन जितना कचरा जो है वो उत्सर्जित होता है, तो कहते हैं कि उसको यूज़ करके हम यहाँ पर क्या बना देंगे, आपका बिजली उत्पादन करेंगे। ऐसा जो था, दिल्ली सरकार ने भी ऐसा सोचा है कि क्योंकि वहाँ भी कचरा वचरा बहुत है, कि अपना इसका यूज़ करके वेस्ट टू एनर्जी का आपका हम क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, चलिएगा। एक तो सबसे पहले अगर मैं घास के मैदानों की बात करूं तो दो तरीके के मैदान हो जाते हैं, एक हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और एक होते हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब आपका डेसिडुअस, और ये आपका क्या हो जाते हैं, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। अब अगर यहाँ से बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे ना शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, मतलब आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर डाउन्स का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में कौन से हो जाते हैं, डाउन्स का मैदान, है ना। दूसरा अगर मैं बात करूँ वेल्ड मैदान की, तो ये पाए जाते हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका में, ये भी याद रख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा पंपास का मैदान लिखा, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इसको कहा जाता है अर्जेंटीना का हट, क्या कहा जाता है इसको, अर्जेंटीना का हृदय इसको कहा जाता है, पंपास मैदान को। तो करेक्ट आंसर इज द डाउन्स मैदान। और ऑस्ट्रेलिया से ना हमारा करंट में भी आजकल एक क्वेश्चन बन रहा है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा मरुस्थल किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं, तो आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया पर। दूसरा प्यासी देश की भूमि भी किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर स्टुअर्ट और गिब्सन का नाम बोले तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन याद रख लेना कि 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश किस कंट्री ने दिया है, तो वो भी क्या आ जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो जितने 4 से 5 पॉइंट बोले हैं सारे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा बारिश किस तरीके के वनों में पाई जाती है, तो ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है, लगभग 200 सेंटीमीटर इतनी तक की यहाँ पे वर्षा होती है। अगर मैं बात करूँ कि ये वाले वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, ये वाले वन, तो ये जितना एरिया बनाया ना साइड में, एक तो ये वेस्टर्न घाट वाला, वेस्टर्न घाट मतलब आपका यहाँ गुजरात से लेके केरल तक का, एक तो ये वाला एरिया कौन सा है आपका, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एक जो ये वाला बनाया है ईस्टर्न हिमालय वाला, यानी कि आपका पूर्वी हिमालय, जिसमें ये हमारे 7 स्टेट्स आ जाते हैं आपका, ये मिजोरम, असम, मणिपुर, ये वाले सारे, तो ये इसमें ये वाला एरिया, और ये इधर वाला, ये हमारा कौन सा हो जाता है आपका, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बने, सबसे ज़्यादा वन जो है वो किस एरिया में पाए जाते हैं, कौन से वन हैं जो सबसे ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन, कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, मतलब आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा रीजन में पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। या इसी को ही हम कह देते हैं पर्णपाती वन, एक और नाम याद रख लीजिएगा, पर्णपाती वन, या फिर आपका मॉनसूनी वन। तो ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा वन
कौन सा एरिया है इंडिया का जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो आपका आ जाएगा पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन। इसके बाद अगर मैं ये ऊपर वाले की बात करूँ तो यहाँ पर ये कौन से वन हो जाते हैं हमारे, आपका पर्वतीय वन। ठीक है, आपके कौन से हो जाएंगे, ये पर्वतीय वन मतलब कि माउंटेनियंस फॉरेस्ट, जो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, इधर उत्तराखंड देहरादून वाला हो जाएगा, ये सिक्किम वाला एरिया, और इधर से अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन का और आंसर देना कि जैसे जो सिक्किम है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे आपका कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। और ये वाला जो एरिया बनाया है ये तो हमें पता है राजस्थान का कौन सा हो जाता है, जहाँ पर ये कांटेदार वृक्ष वगैरह मिलेंगे, या आपका मरुस्थलीय एरिया कौन सा हो जाता है, यहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे ज़्यादा बारिश, तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाला एरिया। ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया में कौन से वन फैले हुए हैं, तो पर्णपाती वन या फिर आपके मानसूनी वन। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंडे का जो बाहरी आवरण है वो किस चीज़ का बना होता है, तो करेक्ट आंसर इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज़ का बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की बात करूँ कि उसमें हम अपना खेतों वगैरह में क्या करते थे, DDT का प्रयोग करते थे। DDT क्या था, आपका एक कीटाणुनाशी था, जिसको फिर मतलब जैसे कीट पतंगे वगैरह वहाँ जो भी आएंगे उनको मारने के लिए हम DDT का प्रयोग करते थे। एक तो आपको DDT की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, डाई क्लोराइड डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथाइल, जो भी सबसे बड़ा नाम लगे ना वो लगा देना बस। ठीक है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथाइल, ये हो जाती है आपकी DDT की फुल फॉर्म। तो जो जैसे कीट पतंगे थे उनके लिए तो DDT का छिड़काव कर दिया, लेकिन बाद में चूहे क्या करते थे, उन कीट पतंगों को खा लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उनके शरीर में भी क्या चला जाता था, आपका DDT चला जाता था, है ना। लेकिन इसका जो था ना उत्सर्जन नहीं हो पाता था, इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से इनका जो यूरिन था उसका कलर भी जो होता था चेंज हो जाता था, यूरिन का कलर भी क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो जो पक्षी थे जब वो उन चूहों को खा लेते थे, जो चूहे मर जाते थे, तो उनके शरीर में भी यह DDT चला जाता था, जिसकी वजह से जो अंडा होता है उसके बाहर यह आवरण नहीं बन पाता था, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण नहीं बन पाता था, इसीलिए इस DDT को क्या कर दिया गया, आपका बैन कर दिया गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, तो यह आपका आ जाएगा अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, आपका चिली में। और यहाँ की और चिली में एक और याद रखेंगे आपका कि नाइट्रेट के भंडारण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नाइट्रेट के भंडार भी कहाँ पर पाए जाते हैं, चिली में। और यहाँ पे एक वरदान है कि यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं चीन की बात करूँ तो यहाँ का मरुस्थल भी याद कर लेना, टकला माटन मरुस्थल। ठीक है, टकला माटन मरुस्थल। और अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो यहाँ का मरुस्थल याद कर लेना, कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना में है आपका कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण आपका अफ्रीका में। ठीक है, चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।